तंत्र की दुनिया में बहुत कुछ होता है। आप सामान्य पूजा पाठ कर सकते हैं, देवी देवताओं की कृपा पा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पर जब बात आती है कुछ अलग हटके करने की, कुछ विशिष्ट करने की, जब बात हो प्रत्यक्षीकरण करने की, आदेश दोस्तों, मैं तांत्रिक हरीश कुमार आप सभी का अपने इस YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के दिन मैं जो आपको एक साधना बताने जा रहा हूं वो है गंधर्व कन्या की। गंधर्वों के बारे में वैसे तो हमने अलौकिक शक्तियों के परिचय में पूरा उसका परिचय दे रखा है, जो बुक है हमारी अलौकिक शक्तियों का परिचय में, और 85 शक्तियों का परिचय भी इस बुक के अंदर हमने दे रखा है। गंधर्व कन्याएं या गंधर्व भी यक्षों की तरह ही होते हैं, और यक्ष लोक की तरह गंधर्व लोक एक अलग से होता है। उनकी जो कन्याएं हैं, जो बच्चियां हैं, लड़कियां हैं, उसको गंधर्व कन्या कहा जाता है। वो भी देखने में सुंदर और सुशील होती हैं, अच्छी होती हैं। इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है अप्सराओं की तरह, यक्षिणियों की तरह। इनको भी पूरे तरीके से लोग सिद्ध करते हैं, और ये भी पूरे तरीके से लोगों की हर तरह की मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। अब इस महीने की जून के महीने में 9 जून को, आप लोग एक चीज को अच्छे से सुन समझ लेना, 9 जून को हम लोग इस साधना को, सोमदा गंधर्व कन्या की साधना को हम लोग लाइव करवाएंगे। ठीक है, आपको शायद समझ में आए। हम लोग या तो जूम मीटिंग के द्वारा, जूम एप्लीकेशन के द्वारा इसको करेंगे, या किसी भी माध्यम से हम आपको एप्लीकेशंस के माध्यम से आपको घर बैठे ही ये सारी साधनाएं करवाएंगे। और 9 जून तारीख को ध्यान रखना है आपको, ये साधना केवल 9 जून को ही होगी। 9 ही जून को मैं आपको इसको लाइव करवाऊंगा। इसके लिए आपको हमारा इस महीने का पेड ग्रुप लेना होगा, और उस पेड ग्रुप से आपको ये साधना पूरी तरीके से करनी होगी। सोमदा गंधर्व की जो इस गंधर्व कन्या की जो साधना है ये नॉर्मल है, सौम्य साधना है, किसी भी तरह का डर भय नहीं है। इस साधना में घेरे की, कवच की, कीलन की आवश्यकता नहीं है। इसको कोई भी नया साधक, पुराना साधक, कैसा भी साधक इसको सिद्ध कर सकता है। मैं सभी को अपने लाइव में आकर के आप सभी के पास इंस्ट्रक्शन या डायरेक्शन, या मैं आपको बताता रहूंगा, गाइड आपको करता रहूंगा, एक एक चीज को, आवाहन, पूजन, ये सारी चीजें मैं स्वयं ही करवाऊंगा। जब आपका जाप स्टार्ट होगा तब मैं अपनी लाइव बंद करूंगा, फिर आप लोग जाप करेंगे। जाप के दौरान भी मेरा फोन चालू रहेगा, किसी को कोई भी परेशानी, दिक्कत आती है, या किसी के पास शक्ति उपस्थित होती है, या कोई अनुभव होते हैं, तो आप तुरंत ही मुझे कॉल करके, व्हाट्सएप पे मैसेज करके शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो साधना है, हम इस साधना को 9 जून को, सोमदा गंधर्व साधना, गंधर्व कन्या की जो साधना है, इसको हम लाइव करवा रहे हैं। ठीक है, ये शायद पहली बार ऐसा हो रहा है कि हम इस साधना को लाइव करवा रहे हैं, और इसके बाद में फिर हम आगे और भी अन्य साधनाओं को कोशिश करेंगे कि हम लाइव ही आप लोगों को साधनाएं करवाएं, जिससे आपकी साधनाएं सफलता की चांसेस जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। आप लोगों की जो करने की क्षमता है, आपका मन, आपका एकाग्रता ऑटोमेटिकली आपको आ जाएगी। आह्वान वगैरह, पूजन वगैरह सारे मैं अपने स्वयं ही करूँगा मैं। ठीक है, तो जिस किसी को भी ये साधना लाइव करनी हो वो हमें इन नंबरों पे संपर्क कर ले, और हमसे पूरी तरीके से इसकी जानकारी ले ले। ठीक है दोस्तों, आदेश।